आपने क्या करना है, अगर आप ब्लैक टी लेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके वेट लॉस के लिए, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला वो अचीव करने में आपका साथ देगा बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। सर्दियाँ आ चुकी हैं हर जगह पे और अब तो यूएई का वेदर भी जो है वो खासा चेंज हो गया माशाल्लाह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग विंटर रूटीन शेयर करूंगी, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा। और पता है मैं आपको के साथ एक बात और ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि अभी साल ख़त्म होने में 2 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो हमारी कुछ ऐसी टास्क थी जो हमने सुस्ती की वजह से या प्रोक्रेस्टिनेट होके हमने डिले करते गए, हमने नहीं किया सुस्ती की वजह से और उन पे फोकस नहीं किया, तो ये 2 महीने हमारे पास हैं, 60 डेज हमारे पास हैं। तो इन सब कामों को हम इसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं इन 2 महीनों में। आपको पता है वेट लॉस, अगर किसी का टास्क वेट लॉस है तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर दे, या जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आपके पास 60 डेज हैं, या आप अपने माइंड में बिठा लें जो भी आपका टास्क है, चाहे वो वेट लॉस है चाहे कुछ भी है, उसे एक पेपर पे लिखें और रोज उसे देखें और कहें कि ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मुझे करना है। आप मुसम्मम इरादा कर लें। जो माइंड होता है ना, ये माइंड आपको आपके एक्शंस करने पर मजबूर करता है। जब आप एक्शंस करेंगे, आप डिसिप्लिन होंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना। जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद आए। जब आप डिसिप्लिन ही नहीं होंगे, कोई चीज करेंगे ही नहीं, तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे ही नहीं तो आपकी कैलोरीज कैसे बर्न होंगी, कैसे आपका वेट लॉस होगा? तो आप अपने टास्क बना के लिख के रख लें पेपर पे, और जो मेरी बातें इस वीडियो में उनको भी लिख के रख लें, बार बार सुन लें इस वीडियो को, ताकि आप इजिली अपने टारगेट को अचीव कर सकें जो इस साल हमने नहीं किए। अब ये साल कंप्लीट होने में 2 महीने है, मैं फिर से बता रही हूं। और सर्दियों के मॉर्निंग रूटीन में किस तरह से आपको फॉलो करना है, जिससे आपका वेट लॉस हो और आपका मैक्सिमम टाइम आप जो है वो उसको अवेल कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी डे जो होता है, पूरा दिन जो होता है, उसका ड्यूरेशन कम हो चुका होता है सर्दियों में। तो उसके लिए हमें अपना मॉर्निंग रूटीन को हैप्पी बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए और फिट बनाने के लिए हमें अपनी रात की नींद को कंप्लीट करना होगा। हमें रात में जल्दी सोना होगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं ना हुई भी होती तो फिर सुबह उठ के इतनी सुस्ती आती है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, सनलाइट अच्छी नहीं लग रही होती, आंखें ही नहीं खुल रही होती। नींद कंप्लीट होगी तो आंखें खुलेंगी ना, तो आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में फील करते हैं अपने आप को। बस दिल चाहता है, अब हैसियत मुसलमान हमें नमाज के लिए तो उठना होता है, और नमाज भी बस ऐसी बेदिली से उठ के मुश्किल से गर्म पानी का इंतजार करते रहते हैं और पानी वेस्ट करते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पानी भी वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही पानी आ रहा है कम, उसका प्रेशर जो है वो कम रखें, ताकि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। तो आपने रात में अपनी नींद कंप्लीट करनी है, ताकि आप हैप्पी, एनर्जेटिक और फिट महसूस करें सुबह, और आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे टास्क को एनर्जेटिक होके कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप कोशिश करें कि रात में ही आप अपने बेड साइड पर कलौंजी, एक छोटी सी बॉटल में, शीशे की बॉटल में थोड़ी सी कलौंजी रख लें, और एक फ्लास्क रख लें, एक थर्मस रख लें जिसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर हो। तो आपने वो कलौंजी के 6-7 दाने लें, उसके बाद आपने लूक वार्म वाटर का एक ग्लास लेना है, फिर आप वजू करें आराम से, और उसके बाद आप नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि जब आप तस्बीह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपने क्या करना है, या तो आप अपने गार्डन, अगर आपके घर में तो गार्डन में चले जाएं, या आप अपने घर की विंडो को ओपन कर लें, क्योंकि उस वक्त एटमोसफेयर में जो बाहर का माहौल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो 300% ज्यादा होती है। तो वो जब आप इनहेल करते हैं, अपना सांस लेते हैं अंदर, तो उससे जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अंदर जाती है ना, तो आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। आपकी जब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो फिर आपका दिमाग जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एनर्जेटिक हो जाता है। और ग्रीनरी है तो ग्रीनरी को भी देखें, उससे भी क्या होगा कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपको फैट बर्न में हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फैट बर्न आपका उस वक्त होता है जब आप जब सांस आप मुंह से बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में फैट बर्न हो रहा होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने इनहेल जब आपने करना है, सांस अंदर लेना है, तो सांस जब आप बाहर निकालेंगे तो उसका ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए, तो इससे भी आप मैक्सिमम अपना फैट बर्न कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तरीके से मेडिटेशन भी हो गई। और जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त आप अपने बारे में भी सोचें कि मुझे अपना पूरा डे कैसे गुजारना है, तो ये आपकी एक तरह की मेडिटेशन भी हो गई। और अल्लाह का कलाम तो आप सुन लें या पढ़ लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो है वो जिसको चाय, कॉफी
टी या ग्रीन टी जो भी पीनी है वो बिल्कुल पिए, क्योंकि हम लोगों का तो सिस्टम काम ही नहीं करता जब तक हम टी कॉफ़ी ना लें, ठीक है। कैफीन की हम लोगों को इतनी आदत हो गई, तो बिल्कुल आप एक मीडियम साइज़ का टी कॉफ़ी का एक मग ले सकते हैं। और आपने क्या करना है, अगर आप ब्लैक टी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके वेट लॉस के लिए। और टी कॉफ़ी लेने से पहले आपने एक ग्लास कोई भी फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि टी कॉफ़ी खाली पेट पीने से जो है एसिडिटी और दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो एक ग्लास आप या तो इस्बगॉल वाटर ले लें या फिर तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल कर लें। चिया सीड्स का आप इन सर्दियों में ज़रा थोड़ा सा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी तासीर जो होती है वो ज़रा थोड़ी ठंडी होती है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल आप ना करें। अच्छा, उसके बाद आपने जो भी आप टी कॉफ़ी ग्रीन टी लेना चाहते हैं लें। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके अंदर आप एक टी स्पून भर के एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल ऐड कर लें, ठीक है, या फिर आप उसके अंदर घी ऐड कर लें। इसे कहते हैं बुलेट प्रूफ कॉफी या बुलेट प्रूफ टी, आप ब्लैक टी में भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जो कोकोनट ऑयल होता है, ये जो घी होता है, कोकोनट ऑयल ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर एमसीटीज होते हैं, घी में भी एमसीटीज होते हैं, तो ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये आपके सिस्टम में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट एज ए फैट, या आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते। और फिर आप एक कप इस तरह का बुलेट प्रूफ टी या कॉफी का लेके, और उसके बाद आपने 6 से 7 छिले हुए भीगे हुए बादाम लेने हैं, 2 से 3 अखरोट लेने हैं, और उसके बाद आप 1 घंटे का वर्कआउट कर सकते हैं, 1 घंटे की आप वॉक कर सकते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं तो यही कहूंगी कि आप जो है वो जॉगिंग और बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस से बेटर है कि आप 1 घंटे की ऐसी एक्सरसाइज करें जिसके अंदर आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े, बस आपके मसल्स यूज होने चाहिए, आपके जॉइंट्स मोबिलाइज होने चाहिए, और आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करनी, ब्रिस्क वॉक करनी है, तेज तेज कदमों से चलना है, तो ये इससे आपका मैक्सिमम फैट बर्न होता है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आकर आप वार्म वाटर से अच्छा सा आपने बाथ लेना है, फ्रेशन अप होना है, और उसके बाद आपने हाई प्रोटीन हाई फाइबर नाश्ता करना है। अपने नाश्ते में आप अंडों का इस्तेमाल जरूर करें, और आप कोशिश करें कि उसके साथ आप थोड़ा सा योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें, वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बेटर होते हैं, ठीक है। और उसके साथ आप एक खजूर या थोड़ा सा गुड़ या किसी दिन स्मॉल साइज की अंजीर ले लें, या फिर 7 से 8 जो ब्लैक किशमिश होती है, रेजिन्स होते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करें, दलिया का इस्तेमाल करें, या आपके हाई प्रोटीन हाई फाइबर नाश्ते हो गए, और उसके बाद आप अपने सारे डे के चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस जाएं, अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करें, आप अपने घर में हैं तो आप घर के काम करें, और पूरी डे लाइट को, जो दिन का पूरा सनलाइट का जो टाइम है, वो आपने मैक्सिमम अवेल करना है, ताकि आपके विटामिन डी के लेवल्स भी इंप्रूव हो सकें, ठीक है, और आपके जॉइंट्स भी मोबिलाइज रहें, आपके जो मसल्स हैं ये भी काम करते रहें, तो इससे भी आपका मैक्सिमम फैट बर्न होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखें क्योंकि डे ड्यूरेशन ऑलरेडी कम है, तो आपने अपनी मैक्सिमम हाइड्रेशन इसी में कंप्लीट करनी है, ठीक है। और कैफिनेटेड बेवरेजेस आपको मगरिब के बाद नहीं लेने हैं, आप हर्बल टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप कहवों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। अच्छा, हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंप्लीट करने के लिए मैं इस वजह से कह रही हूँ, क्योंकि लोग जो है वो विंटर्स में अवॉइड करते हैं, पानी लेना भूल जाते हैं, पानी नहीं, तो उसके लिए आप अलार्म सेट कर लें अपने मोबाइल पर, ठीक है, हाइड्रेशन कंप्लीट करें। रात में आपने ज्यादा वाटर इनटेक नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से, या कैफिनेटेड बेवरेजेस भी नहीं लेनी, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना होता है, ठीक है। तो हमें अपनी गुड क्वालिटी स्लीप के लिए हाइड्रेशन जो है वो आप मगरिब तक कंप्लीट कर लें, अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से डिनर करें, और डिनर के 3 घंटे के बाद फिर आप सो जाएं। अर्ली आपने डिनर करना है, 7-7:30 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, और उसके बाद आप आराम से सो जाएं, अपनी नींद कंप्लीट करें, और रेडी हो जाएं अपने नेक्स्ट डे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और जब आप अपनी पूरी डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी आपने ना अच्छी बातें सुननी है, आप मेरी वीडियोस सुन लें, आप मेरे वीडियोस लगा लें, और उसके उसको सुनते हुए आप काम करते रहें, कोई एक पॉजिटिव अच्छी चीज जाएगी ना मेरे वीडियोस का, ये फायदा है। वैसे आपको जरूरत नहीं है मेरे वीडियो देखने की, आप सुन लेंगे तो भी आपका मैक्सिमम फायदा हो जाएगा। या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो लगा लें, वो सुन लें, या आप कोई, अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपने पॉजिटिव बातें करनी है, गीबत नहीं करनी किसी की, ठीक है, बुराई नहीं करनी किसी की। अगर आप बुराई करेंगे, गीबत करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट आप पर ही आएगा, और ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा होती है ऐसे लोगों की, कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपकी अपनी बॉडी में इतना स्ट्रेस होता है, उससे आपकी बॉडी हो जाती है डिस्ट्रॉय,
डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपकी बॉडी की। तो इस साल में आपने ये भी सोचना है, जहाँ पे ये सोचना है कि मैंने सुस्ती नहीं रखनी, पानी नहीं ज़ाया करना, नमाज़ों पे फोकस करना है, और आपने गइबत नहीं करनी है, आपने किसी की बुराई नहीं करनी। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला वो अचीव करने में आपका साथ देगा बहुत ज़्यादा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको जहनी और दिली सुकून मिलेगा। इससे बड़ी भी और कोई चीज़ होती है कि आप मुझे बताएं? ढूंढ लें कहीं से भी अगर मिल सकता है जहनी और दिली सुकून, तो वो अल्लाह की ज़ात से ही मिलेगा और अच्छे काम करने से ही मिलेगा। यही एक सिंपल सा रूल है, सादा सा रूल है, जो कि हम इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करते। तो इन सब चीज़ों पर हम सब ने फोकस करना है, अल्लाह ताला से अच्छी अच्छी दुआएं करनी है, ठीक है? और मुझे भी दुआ में याद रखना है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, ठीक है? उसमें भी छोटे शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिससे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।